हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखो, आज हम कच्चे आम की चटनी बना रहे हैं। इसको हमने अच्छी तरह धो के कपड़े से सुखा लिया है। अब हम इसको, आम बिल्कुल टाइट होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने 1 किलो आम लिया है और आधा किलो हमने इसमें चीनी डाल ली है, और इसको हमने 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था। देखो, चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये हमने आधा चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है, थोड़ी मोटी इलायची ली है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया है। अब हम इसका चटनी बनाएंगे। पहले हम सौंफ डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेक लेंगे, धीमी आंच पे बनाएंगे हम, तेज आंच पे नहीं बनाएंगे। सौंफ को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, फिर ये काले हो जाते हैं। अब हम इसके में ये मैंगो डालेंगे, ये थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएं। दोस्तों देखो, हमारा ये आम पक रहा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये जल्दी से अच्छे से पक जाए। देखो दोस्तों, हमारी चटनी पक चुकी है, आम पक चुका है। अब मैं इसमें आधा चम्मच काला नमक, काली मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, और ये मैं 1 नींबू का रस डालूँगी। आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखें, आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। और ज़्यादा गाढ़ी बनाना चाहे बना सकते हैं आप, इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, 1 किलो में 1 किलो डालें। अगर हम आप थोड़ी खट्टी पसंद करते हैं, खट्टी मीठी, तो आप 1 किलो में आधा किलो चीनी डालें। देखो, हमारी ये चटनी पक के तैयार है। इसमें ये मैं ये थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, हमारी चाशनी पक चुकी है बिल्कुल। आप और ज़्यादा गाढ़ी करना चाहें तो और भी ज़्यादा गाढ़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। देखो कितनी सुंदर चटनी बनी है। आप इसमें नारियल वगैरह भी डाल सकते हैं।